क्रिकेट में आज पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान का जन्मदिन, जाने खास बातें। नई दिल्ली, क्या इमरान खान पाकिस्तान के सबसे महान क्रिकेटर हैं? इस बात पर लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को करीब से जानने वाले यह जरूर मानते हैं कि इमरान ने अपने देश में एक पीढ़ी को क्रिकेट और खास तौर पर फास्ट बॉलिंग के लिए प्रेरित किया। अपने खेल के अलावा अपनी निजी जिंदगी के किस्सों के चलते भी वह सुर्खियों में रहे। आज ही के दिन सन 1952 में इमरान खान का जन्म लाहौर में हुआ। इमरान की दौड़, उनके उड़ते बॉल, उनकी छलांग और रिवर्स स्विंग यॉर्कर ने उन पिचों पर लोगों को तेज गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित किया जिनमें उनके लिए कोई खास मदद नहीं थी। युवा खिलाड़ियों ने इमरान खान को देखकर तेज गेंदबाजी शुरू की। उनकी बल्लेबाजी औसत 37.69 और बल्लेबाजी का 22.81 का रहा। वह उस दौर के ऑलराउंडर्स की चौकड़ी जिसमें यान बॉथम, रिचर्ड हेडली और कपिल देव शामिल थे का हिस्सा रहे। टेस्ट क्रिकेट में अपने आखिरी 10 साल में इमरान ने 51 मैच खेले। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 50 और गेंदबाजी औसत 19 के करीब रहा। वनडे क्रिकेट में इमरान ने 33.41 के औसत से 3,700 रन बनाए और 22.61 के औसत से 33.41 रहा। पाकिस्तान के कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को 1992 का विश्व कप खिताब जितवाया। उन्होंने पाकिस्तान में कोई घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। हाँ, होम सीरीज के लिए वह वॉर्सेस्टरशायर या ससेक्स से वह पाकिस्तान आ जाते थे। शादीशुदा जिंदगी को लेकर रहे चर्चाओं में, इमरान खान ने 3 शादी की हैं। उनकी पहली शादी ब्रिटिश अरबपति की बेटी जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी, लेकिन 1995 में हुई यह शादी 2004 में टूट गई। उनकी दूसरी शादी 2015 में पत्रकार रेहम खान से हुई, जो एक साल भी नहीं चली। उनकी वर्तमान पत्नी का नाम बुशरा मानिक है। 1987 में लिया क्रिकेट से संन्यास पर जियाउल हक के कहने पर की वापसी। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 1987 में संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक के अनुरोध पर उन्होंने क्रिकेट में वापसी की और 1992 में पहला वर्ल्ड कप जीत कर आए। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेला था। क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। फिलहाल वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अपने बयानों के चलते वह काफी विवादों में भी रहते हैं। वह भारत विरोधी बातें अक्सर किया करते हैं।